आपको जोड़ता हूँ। एक गीत शायद जिंदगी में जो भी बचपन है, सभी ने बचपना अपना जिया है और स्कूल लाइफ जी है, तो सभी ने किया ही होगा। ये हमारा अगर दुख है, हमारी कहानी है, तो सबकी फिर कहानी है। तो मैं गीत से चालू करता हूँ, दो ही गीत पढ़ूंगा। पहला गीत देखिए। मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। अब पहला बंदे की। कोई जब सर फिरा आशिक मचल करके रवानी में, नदी में पांव धुलती एक बंजारन को छू लेगा, यादी रात को बेचैन हो करके कोई लड़का, जबानी याद एक नंबर पे ढेरों कॉल कर देगा। बजेगी फोन की घंटी तो मैं भी गुनगुनाऊंगा, मैं तुमको याद, आप लोग भी साझा हो जाएं, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। अब अगला बंदे की। अच्छा, सभी ने शायद ये, आप कितने भी बड़े मकाम पे पहुंच जाएं, कितनी भी चीजें हासिल कर ले, एक वक्त के बाद वो उनकी स्मृति जो होती है वो धुंधली पड़ने लगती, लेकिन आप ईमानदारी के साथ अपने हृदय पे हाथ रखें और बताएं कि वो भोली सी लड़की जिस रंग की साइकिल पे आती थी, आज भी आंखें बंद करें तो वो रंग आपको याद आ जाएगा। तब मैं पढ़ता हूं, देखना। कि कभी स्कूल को जाती किसी लड़की को देखोगी, अगर जो उसके पीछे एक दीवाना भी दिखा तुमको, यकीन मानो वो जोड़ा तुमको कुछ यादें दिलाएगा। तुम्हारी आंख नम होगी मगर मैं मुस्कुराऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। कि जब हिंदी की क्लासेस में सभी दोहे पढ़ेंगे, तब कोई पागल सा एक लड़का पीछे की सीट में बैठा, किसी का नाम लिख लिख कर रजिस्टर भर ही डालेगा। रजिस्टर के उन्हीं पन्नों से मैं भी गीत गाऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। अगला बंद देखिए। दिवाली के जरा पहले जो करवा चौथ आएगा, कोई चंचल सी लड़की दिन भरे का व्रत करेगी, और मेरे प्रेम की उम्र देखिए, कोई चंचल सी लड़की दिन भरे का व्रत करेगी, और बाजारों में भटकता एक 17 साल का लड़का, कभी चोरी के पैसों से नए कंगन खरीदेगा। के खनकेंगे वो जब कंगन तो मैं गजलें सुनाऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। अगला बंद देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद देखिए। प्रेम के बाद, सेपरेशन के बाद, हिजर के बाद क्या पहुंच करके, अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया, प्रेम भी हो गया, हिजर भी तो जरूरी है। पहुंच करके जवानी के किसी एक दौर में जाना, मेरे बांधे हुए वचनों के धागे तोड़ करके तुम किसी के साथ में लोगी, कभी जब सात फेरे तो मेरी बाहों के दो फेरे भी तुमको याद आएंगे,
मैं शहनाई के पीछे कांपती चीखें छिपाऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। कोई ऑफिस से लौटेगा थकन से चूर हो करके, रची मेहंदी के हाथों से उसे पानी पिलाओगी, वो अपनी सब थकन लेकर तेरे गालों पे रख देगा। सो तुम माथे पे उसके अपने होठों से तिलक करना, वहाँ तिलक उसका वहाँ होगा, यहाँ मैं हार जाऊँगा। मैं तुमको याद आऊँगा, मैं तुमको याद आऊँगा। आखिर बंद देखिए, लगा कर सिट कनी जब गेट में बैठोगी तुम तन्हा, भरा होगा दुखों से दिल, नहीं गुजरेगा एक लम्हा, तब ऐसे वक्त में जाना मेरे गीतों को गाना। तुम्हारे साथ मैं भी आंसुओं में डूब जाऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा, मैं तुमको याद आऊंगा। एक गीत और बन सकता है, एक मैं गीत पढ़ता हूँ। ये एक भूमिका देख लीजिए गीत की। कोई प्रेमी कई काफ़ी समय के बाद, वक्त के बाद अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, तो एक मैसेज टाइप कर रहा, और वो मैसेज क्या है ये देखिएगा कि भूमिका पर ध्यान दीजिएगा, तो फिर गीत का ज़्यादा आनंद लेंगे आप लोग। चौखटों की आहटों पर रहना समर्पित, कम से कम 4-5 महीने का वक्त था कोरोना पीरियड का, तब का ये गीत है। चौखटों की आहटों पर रहना समर्पित, हम मिलन की आस लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चौखटों की आहटों पर रहना समर्पित, हम मिलन की आस लेकर आ रहे हैं। पहला बंदे क्या कि ये नियति में जो विरह की आपदा थी, 4-5 महीने का वक्त प्रेमी को तो आपदा ही लगेगा। ये नियति में जो विरह की आपदा थी, दूर स्वर से एक वीणा गमजदा थी। ये नियति में जो विरह की आपदा थी, दूर स्वर से एक वीणा गमजदा थी। कर्ज तेरी याद का उतरा न हमसे, जब के किश्तें आंसुओं की सब अदा थी। कर्ज तेरी याद का उतरा न हमसे, जब के किश्तें आंसुओं की सब अदा थी। दौड़ आना तुम भी अपनी प्यास लेकर, हम भी अपनी प्यास लेकर आ रहे हैं। अब अगला बंद देख रहे हैं कि उठ रही थी मन में रति की कामनाएं, पर झरोखों से कभी ना गिड़गिड़ाए। उठ रही थी मन में रति की कामनाएं, पर झरोखों से कभी ना गिड़गिड़ाए। अन्यथा हम, संबल कहाँ से मिला देखिएगा, कि अन्यथा हम थे नहीं इतने अनोखे,
साथ मेरे थी तुम्हारी प्रार्थनाएं, अन्यथा हम थे नहीं इतने अनोखे। साथ मेरे थी तुम्हारी प्रार्थनाएं। एक शब्द है चौमास, बरसात के जो चार महीने हैं उनको बोलते हैं, कि लेती आना अपने होठों की दुपहरी, हम नयन चौमास लेकर आ रहे हैं, चौखटों की आहटों पर रहना समर्पित। आखिरी बंदे के जिस समय मैंने गीत लिखा था, ये उस समय तो जाहिराना तौर पे प्रेमिका के लिए लिखा होगा, लेकिन अभी शायद कम ही लोगों को पता है कि 11 दिसंबर को हमारी माता जी का देहांत हो गया एक सड़क हादसे में। तो एक चार आखिर की पंक्तियां हैं, आखिरी बंद है, उनके लिए मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा, आज उन्हीं को समर्पित करता हूँ। कि तुमको अंतर में छिपा कर रख दिया था, खुद को पासों की तरह बिखरा दिया था, तुमको अंतर में छिपा कर रख दिया था, खुद को पासों की तरह बिखरा दिया था, सिसकियां सुनना तो कमरे में नाना, सबसे इतना मुस्कुरा कर कह दिया था, सिसकियां सुनना तो कमरे में नाना, सबसे इतना मुस्कुरा कर कह दिया था, तुम भी लाना दीप मालाएं सजा कर, तुम भी लाना दीप मालाएं सजा कर, हम भी एक वनवास लेकर आ रहे हैं, चौखटों की आहटों पर रहना समर्पित, हम मिलन की आस लेकर आ रहे हैं।